वेलकम टू मैट जियो क्लासेस। मैट जियो क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जो टॉपिक चल रहा है वो पढ़ रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान। और इस क्लाइमेटोलॉजी में जैसे हम लोग ने पहला चैप्टर जो हम लोग ने पढ़ा वो था आपका स्थाई पवने, तो वायुदाब पेटियां एवं स्थाई पवने, एयर प्रेशर बेल्ट एंड परमानेंट विंड्स। फिर हम लोग ने दूसरा टॉपिक पढ़ा विश्व की स्थानीय पवने, लोकल विंड्स ऑफ द अर्थ। हमने आपको बताया था कि ये क्या है, ये पृथ्वी की सतह पर प्रवाहित होने वाली पवने हैं जो पृथ्वी की सतह के क्षैतिज अवस्था में चलती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टली अभी हम लोग ने एयर को स्टडी किया है, अभी हम लोग वर्टिकल नहीं गए, एनवायरमेंट अभी हम लोग ने नहीं पिया, एटमोसफियर नहीं पढ़ा है। तो अभी सिर्फ हम लोग ने दो टॉपिक कवर किया विंड्स का, सिर्फ एक परमानेंट विंड्स और एक लोकल विंड्स। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विश्व की जलवायु। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग वे से जो है आपके आप ये जानेंगे। और विश्व के बारे में यहाँ बैठे बैठे, भारत के में बैठे बैठे, विश्व के किस क्षेत्र में किस तरह की जलवायु होती है, किस देश में किस तरह की जलवायु होती है, हर एक चीज़ का आप एक्सपीरियंस कर लेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, खासतौर से सिविल सर्विसेज के लिए। सिविल सर्विसेज में क्वेश्चंस इस पर भरमार बनते हैं और क्वेश्चंस बहुत आते हैं। बस ये है कि आपको एक आइडिया होना चाहिए कि यहाँ जलवायु कैसे पढ़ी जाती है। तो पहले टर्म है जलवायु, क्लाइमेट। तो अभी हम लोग आगे चल करके डिफाइन भी करेंगे, लेकिन अभी ज़रूरी है आपको डिफाइन करना जलवायु क्या है। जलवायु जो है किसी एक बड़े क्षेत्र में, जैसे कोई देश या किसी प्रदेश, बड़े क्षेत्र में वर्ष भर की औसत वर्षा, तापमान और आर्द्रता, एवरेज टेम्परेचर, रेनफॉल और ह्यूमिडिटी, तो इन तीनों चीजों को जो प्रदर्शित करता है वो होता है उस स्थान की जलवायु, क्लाइमेट। तो क्लाइमेट क्या है? ऐसी जलवायु जो कि आपके एक तरह से जो है किसी बड़े क्षेत्र में, बहुत बड़े क्षेत्र में, किसी जो है आपके क्षेत्र की आर्द्रता, वर्षा और तापमान के बारे में जो है आपके सारी चीज बता देता है पूरे साल भर की, वो है जलवायु। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग भारत में रहते हैं, भारत की जलवायु अगर कहा जाएगा तो क्या है, तो भारत की जलवायु को अगर हम कहेंगे क्या है या भारत की जलवायु का नाम क्या है, तो भारत की जलवायु को कहते हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो अब जब जलवायु की बात अगर आ रही है तो हम कहेंगे उष्णकटिबंधीय, दैट इज ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। अभी हम लोग ने डिफाइन किया क्लाइमेट क्या है, किसी जगह की साल भर की जब हम तापमान, वर्षा, आर्द्रता जान जाए तो वही क्लाइमेट है। तो हमने कहा भारत की जलवायु क्या है, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अब देखिए इन दो शब्दों ने पूरे भारत की जलवायु की व्याख्या कर दी। अब आप कहेंगे दो शब्द कैसे बता सकते हैं, सब कुछ बता दिया इन्होंने सिर्फ मात्र दो शब्द में। कैसे, किस तरह से? देखिए सबसे पहली चीज तापमान, वर्षा और आर्द्रता, ये सबसे प्रमुख चीजें होती हैं जिसको हम लोग स्टडी करते हैं। ट्रॉपिकल शब्द, उष्ण कटिबंधीय शब्द क्या बता रहा है कि कोई रीजन ऐसा है जो कटिबंध में है। ट्रॉपिकल रीजन किसको कहते हैं, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में रहने वाला स्थान होता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में रहने वाला स्थान। कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तर है और मकर रेखा जो कि 23.5 डिग्री दक्षिण है, इसके बीच में रहने वाला स्थान उष्णकटिबंधीय होता है। और इसके बीच में रहने वाला स्थान की अगर हम बात करें तो क्या है वहां, ऐसा इस शब्द ने क्या बता दिया,
इस शब्द में इसलिए बता दिया कि अगर हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हैं तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जहां पे, और खास तौर से जो कर्क रेखा और मकर रेखा पर स्थित देश हैं, ये कर्क रेखा मकर रेखा पर स्थित देश हैं, उनकी विशेषता क्या है? उनकी विशेषता ये है कि वहां पे एक्सट्रीम कंडीशंस पाई जाती हैं। एक्सट्रीम कंडीशन पाए जाने का मतलब गर्मियां होंगी तो बहुत ज्यादा गर्म होंगी, सर्दियां होंगी तो बहुत ज्यादा सर्दी होगी। इसका मतलब उष्णकटिबंधीय शब्द ने यह बता दिया कि हम लोग जहां रह रहे हैं वहां पर एक मौसम ऐसा आएगा कि जहां पे तापमान बहुत ज्यादा हो जाएगा, और उसे हम ग्रीष्म ऋतु के नाम से जानते हैं, समर्स के नाम से जानते हैं। फिर उष्णकटिबंधीय शब्द ये भी बता रहा है कि हम लोग जहां रह रहे हैं वहां पर ऐसा भी समय आएगा कि जहां पर जो है आपके एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो समय होगा वो ऐसा भी आएगा कि जहां पे तापमान बहुत गिर जाएगा। तो खास तौर से कर्क रेखा और मकर रेखा पे रहने वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होते हैं, जैसे भारत कर्क रेखा के मध्य से, क्योंकि होके जाती है भारत के मध्य से कर्क रेखा, इसलिए भारत कर्क रेखा पर स्थित है। और खास तौर से कर्क रेखा और मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर रहने वाले कोई भी देश होता है, उस वहां एक्सट्रीम कंडीशन पाई जाती है। जैसे भारत में, भारत में सर्दियां बहुत ज्यादा जो है आपकी ठंडी होती हैं और गर्मियां बहुत ज्यादा गर्म होती हैं। तो इसके मतलब इस शब्द ने यह स्पेसिफाई कर दिया कि भारत एक ऐसा देश है जहां पे गर्मी भी बहुत ज्यादा होगी, सर्दी भी बहुत ज्यादा होगी, और जब मैक्सिमम और मैक्सिमम की बात हो रही है तो हम बीच में एवरेज में आएंगे ही आएंगे। इसके मतलब एक बार सर्दी की तरफ जब हम जाएंगे, सर्दी से गर्मी की तरफ जाएंगे तो एक बार औसत आएगा, औसत तापमान, और एक बार जब हम गर्मी से सर्दी की तरफ आएंगे तो एक बार औसत तापमान आएगा। दो बार ऐसा समय आएगा जब हम लोग बीच के तापमान में होंगे, और दो बार ऐसा तापमान आएगा जब हम लोग एक्सट्रीम कंडीशंस में होंगे, क्योंकि साल भर में सूर्य की लंबवत किरणें एक ऐसे चक्कर लगाती हैं। तो एक बार आप यहां पर पहुंचे, एक बार यहां पहुंचे, एक बार यहां पहुंचे, एक बार यहां पहुंचे, तो आप विषुवत रेखीय क्षेत्र में दो बार आए, या विषुवत रेखीय क्षेत्र में सूर्य का लंबवत प्रकाश दो बार पहुंचा। अब हम क्योंकि कर्क रेखा पे हैं तो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए ये औसत तापमान है, और यहां पे सबसे निम्न तापमान, क्योंकि सूर्य सबसे दूर हो गया। जब सूर्य सबसे दूर हो जाएगा हमसे, यहां पे तिरछी किरणें आ रही हैं, तो सबसे कम तापमान होगा, सर्दियां होंगी। लेकिन जब विषुवत रेखा पे सूर्य का लंबवत प्रकाश होगा तो इतनी तिरछी किरणें नहीं होंगी, इसलिए ऊष्मा की मात्रा जो है कंपैरेटिवली कम हो, तो ये कहा जाए कि इसकी तुलना में यहां पे ज्यादा तापमान होगा। और जब कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें होंगी तो ऐसे कंडीशन में भारत में तापमान बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जब यहां पे सूर्य की लंबवत किरणें होंगी तो भारत में क्या होगी, ग्रीष्म ऋतु। जब यहां पर सूर्य की लंबवत किरणें होंगी मकर रेखा पे, तब भारत में क्या होगा, शीत ऋतु। और जब विषुवत रेखा पर होगी तब हम लोगों का औसत मौसम रहेगा, दो बार औसत मौसम रहेगा। उष्णकटिबंधीय शब्द देखिए एक छोटा शब्द नहीं है, सारी चीज उसने एक्सप्लेन कर दिया कि हम लोग क्या चार मौसम होने वाले हैं। चार मौसम में एक बहुत एक्सट्रीम गर्मी वाला, एक बहुत एक्सट्रीम सर्दी वाला, और दो औसत, यही हम लोगों के यहां जलवायु है। तो भारत की जलवायु में क्या है, ग्रीष्म ऋतु है, ऋतुएं हैं। तो ऋतु कैसे डिफाइंड होगा, सीजन कैसे डिफाइंड होगा, किसी एक जलवायु में दो अथवा दो से अधिक जो है आपके ऋतुएं हो सकती हैं। ऋतु क्या है, ऋतु होता है कुछ समय के लिए जब एक समान तापमान आर्द्रता और वर्षा हो जाए, तो जलवायु के उस समय को हम सीजन के नाम से जानते हैं, ऋतु के नाम से जानते हैं। जैसे गर्मी का दिन, मान ली गर्मी का दिन हो गया तो एक समान एक जैसी जलवायु हो जाएगी, अर्थात दो तीन महीने तक क्या होगा, सुबह होगी, सुबह के बाद जो है आपके सूर्योदय के बाद गर्मी होने लगेगी, दोपहर तक आते आते लू चलने लगेगी, शाम तक आते आते मौसम थोड़ा बहुत ठंडा होगा, आंधी तूफान आएगा, रात में मौसम स्वच्छ हो जाएगा। ये प्रक्रिया कितनी देर चलेगी, दो तीन महीना चलेगी। कब बंद होगी, जब बारिश आ जाएगी अर्थात वर्षा ऋतु आ जाएगी, अर्थात बादल आने लगेंगे और आपके एक तरह से वर्षा करने लगेंगे। अब ये बादल कितनी समय के लिए आएंगे, ये भी दो तीन महीने के लिए आएंगे। दो तीन महीने तक क्या है, इसका मतलब वर्षा हो रही है तो वायु में नमी ज्यादा, आर्द्रता ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है। इसके मतलब कि अगर एक स्पेसिफिक समय में
स्पेसिफिक समय में कैसे वर्षा हो रही है, यह दूसरा शब्द बता रहा है। दूसरा शब्द यह बता रहा है कि एक स्पेसिफिक समय में, एक विशिष्ट समय में क्या होगा, कोई पवने आएंगी, मानसूनी पवने जिनको कहा जा रहा है, को पवने आएंगी, वर्षा करेंगी, चली जाएंगी, उसका एक स्पेसिफाइड टाइम होगा। ऐसा नहीं कि वर्ष के किसी भी समय बारिश होने लगेगी, तो स्पेसिफिक टाइम होगा। तो इसका मतलब एक ऐसा समय होगा जो आर्द्र समय होगा, तो ये आर्द्रता वाला। अगर कोई आर्द्रता वाला समय है तो इसके मतलब एक शुष्क भी समय होगा। तो इसी के जस्ट विपरीत अगर हम देखें तो जब वर्षा हो रही तो आर्द्रता है, जब वर्षा नहीं हो रही तो शुष्क है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सारी चीज बयान हो गई इन दो शब्दों में। कि पहली चीज कि भारत में चार ऋतुएं हैं, चार ऋतुएं कैसे एक्सप्लेन हो गई, सूर्य की लंबवत किरणों के मूवमेंट की वजह से। यहां पर जब सूर्य की लंबवत किरण थी तो ग्रीष्म ऋतु भारत में होगी, यहां पे जब होगी तो शीत ऋतु होगी, और यहां पे होगी तो दो ऋतुएं होंगी जो औसत तापमान वाली होंगी, जिसमें से एक ऋतु वर्षा ऋतु है और एक है शरद ऋतु, जो हल्की जो है ठंड वाली मौसम होता है अक्टूबर नवंबर माह, ये क्या है आपके शरद ऋतु। तो उष्णकटिबंधी शब्द ने क्या बता दिया, भारत की पूरी स्थिति को डिफाइन कर दिया कि भारत में क्या हो रहा है। मॉनसूनी पवन ने क्या बता दिया, मॉनसून क्यों शब्द लगा हुआ है, क्योंकि एक विशेषकर आर्द्रता युक्त पवने आएंगी एक स्पेसिफिक समय में, वर्षा करेंगी, चली जाएंगी। तो भारत की पूरी जलवायु सामने आ गई कि नहीं आ गई, मात्र दो शब्द में। तो ऐसी तो जलवायु ऐसी होती है, जलवायु वो है जो पूरे साल भर की वर्षा तापमान आर्द्रता की मात्रा को प्रदर्शित कर दे, वो उस स्थान की क्या होती है, जलवायु। और हर जलवायु की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। अब आपको ये पता है कि भारत में मानसूनी जलवायु, मानसूनी जलवायु की विशेषता आपको पता है, तो अपने आप जो है चीजों को जान जाएंगे कि हाँ यहाँ पे क्या क्या होगा, किस तरह की चीजें यहां पर पाई जाएंगी। तो जलवायु को अगर हम लोग देखें तो जलवायु जो है आपके वर्गीकृत कैसा हुआ या किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है जलवायु को, ये हम लोग पहले देख लें। तो जलवायु को वर्गीकरण कैसे किया गया, जलवायु का वर्गीकरण अगर हम देखें तो जलवायु का वर्गीकरण करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनमें जो नाम आता है, पहले तो कोपेन का आता है, कोपेन थे, त्रिवार्था थे, और थॉर्नवेट थे। ये तीन प्रमुख वैज्ञानिक थे जिन्होंने विशेषकर विश्व की जलवायु का अध्ययन किया है, और कोपेन ने बहुत वाइड रूप से अध्ययन किया है। और कोपेन का वर्गीकरण बहुत, जैसे इसमें जो है जब आप ऑप्शनल पढ़ते हैं तो ऑप्शनल में बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो आपको वहां पर क्या करना पड़ता है, इसमें जो जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डीप नहीं है, लेकिन जब आप ऑप्शनल पढ़ते हैं तो ऑप्शनल में हर शब्द के अपने मीनिंग है कि अगर कोई विषुवत रेखीय जलवायु है तो उसको किस शब्द से प्रदर्शित किया जाएगा, उसके सफिक्स में अगर कोई वर्ड लिखा हुआ है तो सफिक्स में वर्ड जो लिखा है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है। जैसे हमने कहा AW, AS, AM, इन सब का अपना अपना मतलब है। तो अब यहां पर क्या है, A क्या प्रदर्शित कर रहा है, विषुवत रेखीय जलवायु है, W क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, विंटर्स ड्राई है, A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, विषुवत रेखीय जलवायु है, मानसूनी जलवायु है, समर्स ड्राई है, विषुवत रेखीय जलवायु है। तो ये छोटे छोटे शब्द हैं जो कि कोपेन ने आपने इस्तेमाल किया। तो बी से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, बीएस क्या होता है, बीडब्ल्यू क्या होता है, जैसे स्टेपी प्रकार की जलवायु होती है, बीडब्ल्यू जो है आपके एक तरह से बीएसएच क्या है। तो छोटे छोटे आपके इस तरह के जो है वो चीजें ली गई हैं, वर्ड लिए गए हैं, सीएस से क्या प्रदर्शित होता है। तो ये सब छोटे छोटे आपके वर्ड हैं, जैसे भूमध्य सागरीय जलवायु है ना, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट है, तो ये सब जो है आपके किससे रिप्रेजेंट होता है, तो वो आपके ऑप्शनल में चला जाता है, बहुत डेप्थ हो जाती है वो, और वो भी कोई बहुत मुश्किल नहीं। जितनी चीज हम आपको पढ़ाएंगे, पढ़ाने के बाद सिर्फ आपको उन शब्द को समझना है, बाकी कंप्लीट चीज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको। पूरे विश्व की जलवायु आप किसी भी एग्जाम को देंगे, चाहे किसी भी स्टैंडर्ड का एग्जाम हो, आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो अब यहां पर अगर आप देखें,
तो ये तीन वैज्ञानिक थे जिन्होंने आपके एक तरह से जो है जलवायु को वर्गीकृत किया, और इनका वर्गीकरण जो था, एक और वैज्ञानिक थे कैंडोल, उनको भी देख लें। कैंडोल जो थे, कैंडोल ने वर्गीकरण किया है वनस्पतियों का, पूरी पृथ्वी पे पाई जाने वाली वनस्पतियां। कोपेन ने क्या किया, क्लाइमेट के साथ वनस्पतियों, कैंडोल की वनस्पतियों को मिला दिया, तो यह पता चला कि किस जलवायु में कौन सी वनस्पतियां होती हैं। तो इन्होंने जैसे आपके कैंडोल ने क्या किया, इन्होंने जैसे वो किया था नेगाथर वनस्पतियों को वर्गीकृत किया पांच पार्ट में, मेगाथर्म, मीजोथर्म, फिर माइक्रोथर्म, फिर हेकेस्ट्रोथर्म, और पांचवा जीरोफाइट। ये पांच प्रकार की कैंडोल की वनस्पतियों का वर्गीकरण था। अब जैसे मेगाथर्म, मेगा मतलब होता है बहुत बड़ा, थर्म मतलब होता है टेम्परेचर, जहां पे बहुत ज्यादा तापमान हो, सिंपल सी चीजें हैं, अधिक तापमान में रहने वाली वनस्पतियां। मीजोथर्म, मीजो मतलब होता है मध्यम, मीडियम, थर्मल मतलब होता है जो है आपके एक तरह से तापमान। माइक्रोथर्म, कम तापमान में रहने वाली वनस्पतियां। हेकेस्ट्रोथर्म जो है ठंडे प्रदेशों में रहने वाली वनस्पतियां, और जीरोफाइट्स, जीरोफाइट्स मतलब मरुद्ध भेद वनस्पतियां जो मरुस्थली क्षेत्र में रहती हैं। तो इस तरह से खैर कैंडोल का वर्गीकरण था जो कि आपके इस तरह से दिया गया। और इस वर्गीकरण के साथ साथ अगर देखा जाए तो विशेषकर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि एक आइडिया डेवलप हो जाता है कौन सी वनस्पति कहां पाई जाएगी। तो कोपेन ने अपने वर्गीकरण में जलवायु के साथ साथ वनस्पतियों को भी शामिल कर लिया था। तो ये तीनों ने मिल करके अपने अलग अलग जलवायु जो है आपके डिफाइन की है, और इन्होंने अपनी अपनी जलवायु का वर्गीकरण अपने हिसाब से किया है इन्होंने। तो ये तीनों जो है आपके वैज्ञानिक, कोपेन, त्रिवार्था और थॉर्नवेट जो है आपके वैज्ञानिक हुए जिन्होंने आपके क्लाइमेट का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसमें से सबसे वाइड वर्गीकरण जो है वो आपके कोपेन का है। तो कोपेन ने सबसे लेंथीएस्ट जो है आपके तरीके से बहुत ज्यादा डिटेल वे में आपके जो है वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। तो ये जो है एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि वर्गीकरण, अब ये इसकी आउटलाइन क्या है। अब जो वर्गीकरण हुआ वो 13 प्रकार की जलवायु में वर्गीकृत किया, इसके मतलब क्या है, तो विश्व में, पूरे विश्व में 13 जलवायु पाई जाती है। तो विश्व के जितने भी देश हैं वो 13 में से किसी एक जलवायु में रहते हैं, और 13 प्रकार की जलवायु का अगर आप ये जान जाएं कि 13 प्रकार की इस जलवायु में जो है आपके कितनी जो है आपके एक तरह से क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण हैं, क्या जलवायु होती है, कितना तापमान होता है, कितना वर्षा होती है, किसकी क्या प्रमुख विशेषता होती है, वनस्पति कौन सी होती है, तो बाकी सारी चीज अपने आप आपको क्लियर हो जाएगी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए यहां पर हम लोगों को ये बातें एकदम क्लियर कर लेना चाहिए कि जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार का होगा या कैसे होगा। तो इन सब के वर्गीकरण को अगर हम समाप्त करें तो हम ये कहेंगे कि विश्व की जलवायु को हमने कितनी पार्ट में बांटा, हमने जो है आपके बांटा जो है इसको 13 पार्ट में। अब ये 13 पार्ट हैं क्या या कैसे याद होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, देखिए वही एक ट्रिक हम आपको बताएंगे, एक तरीका आपको बताएंगे, बहुत आसान तरीका, बहुत इजीएस्ट तरीका, जिससे कि आप हर एक चीज बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि क्वेश्चन जो है कैसे आप इसको याद करेंगे। देखिए पहली चीज, पूरे प्रदेश को, अब जैसे जैसे हमने ए बी सी डी ई कहा था ना, तो इन लोगों ने जो वर्गीकरण किया, जैसे ए प्रदेश किसको कहा जाता है, ह्यूमिडिटी रीजन क्या है, वेरी ह्यूमिड, बहुत ज्यादा आर्द्रता होती है, जहां पे हर वक्त वर्षा होती है, साल भर वर्षा होती है, जहां साल भर वर्षा होगी वायु में नमी हमें हमेशा मौजूद रहेगी, वो ह्यूमिड प्रदेश होता है। और वहां पे वनस्पति कौन सी होगी, रेन फॉरेस्ट, वर्षावन,
वर्षावन के मतलब जो सघन वनस्पतियां होती है, डेंस फॉरेस्ट होते हैं, वो ए से प्रदर्शित होते हैं। खैर, अल्फाबेट का जो है आपके यहाँ अभी कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये है कि आप आसानी से इसको जो है बता सकते हैं कि कौन सा अल्फाबेट है। तो लास्टली हम आपको बता भी देंगे कि हाँ किस तरह से वर्गीकरण जो है आपके अल्फाबेट के हिसाब से किया जाए। बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ह्यूमिड, मतलब आर्द्रता रहती है, बहुत ज्यादा नहीं रहती, रहती है, आर्द्रता वाला क्षेत्र है। यहां पर क्या आएगा? नॉर्मल वन आएंगे, नॉर्मल फॉरेस्ट होते हैं जो कि पाए जाते हैं। सी किसको रिप्रेजेंट करता है? सेमी ह्यूमिड। सेमी ह्यूमिड मतलब कम आर्द्रता वाला स्थान, जहां पे कम आर्द्रता होती है वो स्थान। वहां पे क्या होते हैं? ग्रासलैंड्स, जो वनस्पतियां सिकुड़ती जा रही हैं। ये सघन वन थे, डेंस फॉरेस्ट, पास पास वृक्ष होते हैं, ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं, घने घने वृक्ष होते हैं। यहां पर क्या हो गए? नॉर्मल वृक्ष हो गए, नॉर्मल जो है वन हो गए। यहां पर क्या हुआ? वही नॉर्मल वन घास के मैदानों में कन्वर्ट हो गए। तो ये क्या है आपके? और ये घास, ग्रासलैंड जो होती है वो क्या होती है? वृक्षों के साथ घासें। तो ये क्या होती है? ये वृक्ष सहित वन कहलाते हैं, वृक्ष सहित घास के मैदान, ये ऐसे वन होते हैं। तो ग्रासलैंड्स क्या कहलाती हैं? वृक्ष सहित जो है आपके घास के मैदान। तो ग्रासलैंड्स इंक्लूडिंग जो है आपके ट्रीज, मतलब उनके अंदर वृक्ष होते हैं ज्यादातर, पास पास वृक्ष होते हैं और घास के मैदान भी होते हैं। जब हम सेमी ड्राई में जाएंगे, अब सेमी ड्राई में पहुंच गए, सेमी ह्यूमिड के बाद बहुत ही कम वर्षा, रेयर, कभी कदार वर्षा जहां होती है, जहां कभी कदार वर्षा हो रही, सेमी एरिड, वो स्टेपी प्रदेश हो जाएगा। स्टेपी मतलब क्या होगा? ये हो गए ग्रासलैंड फिर, लेकिन यहां पे क्या है? यहां सिर्फ घासें हैं, वृक्ष का अभाव हो गया, वृक्ष रहित घास के मैदान। तो घास के मैदान का नाम है स्टेपी। एशिया के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? स्टेपी। तो यहां पर क्या है? वृक्ष सहित घास के मैदान थे, यहां वृक्ष रहित घास के मैदान हो गए। दूर दूर तक वृक्ष मिलना बहुत मुश्किल होती है, सिर्फ घास ही घास दिखाई पड़ती है, बस वनस्पतियां बहुत सघन नहीं होती। और फिर ई जो है वो आपके डेजर्ट ड्राई को प्रदर्शित कर रहा है। तो अब यहां पर क्या है? ये जो है आपके एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है कि कितने प्रदेश में जो है आपके इसको बांटा जाएगा। इन्हीं पांच प्रदेशों के आधार पर कैंडोल ने अपनी पांच वनस्पतियों को वर्गीकृत किया था। कैंडोल का जो वर्गीकरण है वो यही था कि पांच प्रकार के जो है आपकी वनस्पतियां। तो ये क्या थी? मेगाथर्म। ये क्या थी? मीजोथर्म। ये क्या थी? माइक्रोथर्म। ये थी हेकेस्ट्रोथर्म। और ये क्या हो गई थी? मरुस्थली क्या है? ज़ेरोफाइट्स। तो कैंडोल ने जो है आपके इस तरह से वर्गीकरण किया, जिस तरह से पांच प्रकार, पांच पार्ट में बांटे गए, पूरे विश्व को पांच पार्ट में आप बांट सकते हैं। बहुत ज्यादा वर्षा, बहुत ह्यूमिड, ह्यूमिड, फिर अर्ध जो है सेमी ह्यूमिड, फिर ड्राई नहीं, सेमी ड्राई और फिर ड्राई। तो ये जो है आपके एक तरह से पांच पार्ट में आपके बांटा जाता है। तो इस तरह से आपने बांटा, और 13 प्रकार की जलवायु में इस तरह से पूरे विश्व को हम बांट सकते हैं, 13 प्रकार की जलवायु में। तो अब ये 13 प्रकार की जलवायु होती क्या है या कहां पे पाई जाएगी? अब देखिए, याद करना, हम बहुत इजीली आपको, बहुत आसानी से जो है हम आपको बता रहे हैं क्या है और किस तरह से। बस ये जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये इस चैप्टर की जान है। जो डायग्राम है वो इस चैप्टर की जान है, जो आपको रटा देगा कि हाँ कौन सी जलवायु कहां होगी। बस इसको समझिए, यह है विषुवत रेखा, जीरो, ये 10, ये 10, ये है 10 डिग्री, ये है 10 डिग्री, 10 डिग्री दक्षिण, 10 डिग्री उत्तर, फिर यहां पे बना लीजिए 30, 30 डिग्री उत्तर, 30 डिग्री दक्षिण, फिर यहां बना लीजिए 45, 45 डिग्री दक्षिण उत्तर, 45 डिग्री दक्षिण, फिर यहां बना लीजिए 60 डिग्री उत्तर, 60 डिग्री दक्षिण,
क्या बना लिए, 75 डिग्री उत्तर, 75 डिग्री दक्षिण। ये क्या है, हम पूरे वर्ल्ड के मैप को डिफाइन कर रहे हैं, जो पूरा वर्ल्ड का मैप होता है उसमें अक्षांश को डिफाइन कर रहे हैं। और ऊपर चलें, 85 डिग्री उत्तर, 85 डिग्री दक्षिण, और फिर नीचे इसके ऊपर 90 डिग्री पहुंच गए, 90 डिग्री उत्तर, 90 डिग्री दक्षिण। बहुत आसान है, देखिए इसको याद करना कैसे। पहले प्रकार की जलवायु इस रीजन में होती है, ये आपकी पहले प्रकार की जलवायु हो गई फर्स्ट। कौन सी हो गई, विषुवत रेखी जलवायु, इक्वेटोरियल क्लाइमेट या ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, उष्णकटिबंधी आर्द्र जलवायु, ये आपकी पहले प्रकार की जलवायु हो गई। कहां पे मिलेगी, विषुवत रेखीय क्षेत्र में, 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बाद। यहां पे वर्षा बहुत ज्यादा, तापमान बहुत ज्यादा, अत्यधिक तापमान, अत्यधिक वर्षा, वर्ष भर तापमान ज्यादा रहना, वर्ष भर वर्षा होना, तापमान ज्यादा रहने का मतलब वर्ष भर एक जैसा तापमान रहना। इसलिए यहां पर पूरी जलवायु में सिर्फ एक ऋतु होती है, पूरे साल भर सिर्फ एक ऋतु होती है, वो होती ग्रीष्म ऋतु। बस यहां ग्रीष्म ऋतु होती 12 महीना, जब 12 महीना तापमान ही ज्यादा रहेगा तो 12 महीना क्या रहेगी, ग्रीष्म ऋतु। तो ये विषुवत रेखीय जलवायु होती है जो कि आपके एक ऋतु पाई जाती है। यहां पर वर्ष भर अधिक तापमान है, जब अधिक तापमान है तो दैनिक तापांतर भी न्यूनतम होता है। दैनिक तापांतर मतलब रात और दिन का तापमान, क्योंकि हर वक्त गर्मी रहेगी तो तापमान में अंतर सबसे कम आया। तो दैनिक तापमान मतलब एक दिन के तापमान में, जैसे हम लोग कहते हैं ना किसी स्थान का न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जैसे किसी न्यूनतम तापमान जो हम लोग मेजर करते हैं वो कब होता है, क्योंकि सूर्य अस्त होने के बाद तापमान गिरता जाता है, मौसम गिरता रहता है, कब तक, जब तक दोबारा सूर्य ना निकले, इसका मतलब सूर्योदय ना हो। तो सूर्योदय के वक्त जो है वो एक तरह से आप ये कहें कि किसी भी दिन का न्यूनतम तापमान होता है, मिनिमम टेम्परेचर। और तापमान बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, जब तक कि सूर्य लंबत ना आ जाए, हम लोग के सर के ऊपर ना आ जाए, क्योंकि उस समय लंबत किरणें पड़ने लगती है, तो इसलिए पृथ्वी को गर्म होने के लिए थोड़ा समय लगता है। लंबत तो 12 बजे आ जाता है, लेकिन 12 बजे तुरंत तापमान नहीं होता, क्योंकि तापमान सूर्य की किरणों से नहीं होता, सूर्य की किरणें सतह को गर्म करती हैं, और सतह गर्म होकर के वायु गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठती, तब वायुमंडल गर्म होता है, समय लगता है। तो इसलिए औसतन 2 बजे के आसपास सबसे ज्यादा गर्मी होती है, थोड़ा समय लगेगा, तो 2 बजे के आसपास दिन में। तो किसी दिन का अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान, जब आप विषुवत रेखीय क्षेत्र में है, यहां दिन भर जो है आपके तापमान ज्यादा है, रात में भी तापमान ज्यादा रहता है, तो दिन और रात के तापमान में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। रात का तापमान अगर 48 डिग्री है तो दिन का तापमान अगर 48 डिग्री है तो रात का तापमान बहुत ज्यादा गिरेगा, 40 डिग्री हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा। तो कितना अंतर आ रहा है, 10 डिग्री, 12 डिग्री, 15 डिग्री का, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। इसलिए सबसे कम जो है आपके अंतर होता है। तो ये प्रॉपर्टीज दिमाग में रखिएगा, दैनिक तापांतर विश्व की किसी भी जलवायु में सबसे न्यूनतम कब होगा, दैनिक तापांतर, डेली जो है टेम्परेचर डिफरेंस या ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर जिसको हम लोग कहेंगे, वो पहली वाली जलवायु, अत्यधिक तापमान, अत्यधिक वर्षा, वर्षा दिन भर होगी, ह्यूमिड सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पे साल में एक ऋतु होगी वो ग्रीष्म ऋतु होगी। ये कुछ प्रमुख चीज है। अब आइए दूसरे पार्ट पे चलें। ये तीनों जलवायु को ऐसे बनाने, मतलब इनको तीन पार्ट में बांटने, को भी तीन पार्ट में बांटना। अब देखिए दूसरे प्रकार की जलवायु, अब यहां 1 है, ये 2 है, ईस्ट की तरफ 2, तो 10 डिग्री से 30 डिग्री किसी भी महाद्वीप, ये महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के पूर्वी भाग में, ये दूसरे प्रकार की जलवायु होती है जिसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो मानसूनी जलवायु कहां होगी, 10 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच में, जितने भी देश हैं 10 से 30 डिग्री अक्षांश, कहां पे होगी, पूर्वी भाग में, किसी भी महाद्वीप के पूर्वी भाग में,
ये क्या हो जाएगी आपकी दूसरी प्रकार की जलवायु। ठीक है, तीसरी जलवायु सवाना प्रकार की जलवायु। सवाना प्रकार की जलवायु क्यों है? अब देखिए ये सारी चीज अभी हम रटा देंगे आपको, अभी से समझ लीजिए। सवाना इसलिए कहा जाता है क्योंकि अफ्रीका में घास के मैदान इसमें विकसित होते हैं, सवाना घास के मैदान, इसी सवाना प्रकार की जलवायु। कहां होगी? किसी भी महाद्वीप के बीच के भाग में, किसी भी स्थल के बीचों बीच भाग में, ना पूर्वी भाग में ना पश्चिमी भाग में, बीचों बीच भाग में। कहां पे? 10 से 30 डिग्री के बीच में, मध्य बीच वाले भाग में। ये क्या होगा? ये सवाना प्रकार की जलवायु, जो कि आपके तीसरी प्रकार की जलवायु होगी, सवाना या सुडान प्रकार की जलवायु। अभी इनकी विशेष चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फिर चौथा, किसी भी 10 से 30 डिग्री उत्तर और 10 से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य पश्चिमी स्थित स्थानों में, महाद्वीप के पश्चिमी स्थित स्थानों में जलवायु आपकी कौन सी पाई जाएगी? ये पाई जाएगी आपकी उष्णकटिबंधीय मरुस्थली जलवायु। हमेशा किसी महाद्वीप के पश्चिमी भाग में मरुस्थल होते हैं, तो पश्चिमी भाग में मरुस्थल होने के दो वजह थी। एक आप जलवायु में, दोनों हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं, एक तो यहां पर पुरवैया पवने होती हैं, आपने पढ़ा था अभी पवनों के टॉपिक में, और पुरवैया जो होती हैं ये आर्द्रता लेकर के आती हैं, जली भाग से आएंगी, ये स्थल शुरू हो गया, वर्षा करती रहेंगी करती रहेंगी, इसलिए पश्चिम तक आते आते शुष्क हो जाती हैं। इसीलिए किसी भी महाद्वीप के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, महाद्वीप के पूर्वी भागों में ज्यादा वर्षा होती है बनिस्बत पश्चिम भाग में। भारत की जलवायु है, भारत में आप देखें जब मानसून आता है बंगाल की खाड़ी से, पश्चिम बंगाल में खूब बारिश करता है, उससे कम बारिश बिहार में हो गई, उससे कम बारिश उत्तर प्रदेश में हो जाती, पश्चिम तक आते आते शुष्क हो जाता है मौसम। पंजाब हरियाणा राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है, ना के बराबर। तो जैसे ही आप पूर्व से पश्चिम की ओर चलेंगे वर्षा कम होती चली जाती, इसीलिए पश्चिमी स्थित स्थान में मरुस्थल विकसित होते हैं। मरुस्थल अब किसको कहते हैं? वो क्षेत्र जहां पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा पाई जाती है। तो विश्व की 50 जो है आपके सेंटीमीटर से कम वर्षा जिस जिस जगह पाई जाती है एक साल में, वहां पर उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? उस स्थान को मरुस्थल कहते हैं, डेजर्ट कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? किसी भी महाद्वीप के पश्चिम भाग में, ये चौथी प्रकार की जलवायु जो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु होती है। फिर चले 30 से 45 पूर्वी स्थित भाग, चौथे के बाद पांचवा आ गया। यहां पे जब आप इसको रखेंगे तो आप देखेंगे यहां पे आ जाएगा चाइना पूर्वी भाग में, और ये जलवायु सबसे ज्यादा चाइना में पाई जाती है बृहद क्षेत्र, इसलिए चीन तुल जलवायु कहा जाता है। चीन तुल जलवायु आप देखेंगे सिर्फ चाइना में नहीं है, यूएसए में भी है, जापान में है, टोक्यो में है, ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन हम चीन तुल जलवायु क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा चीन में पाई जाती है। बृहद क्षेत्र कहां है? चीन में। अब सुडान प्रकार की जलवायु क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सुडान देश में सबसे ज्यादा पाया जाता है। सवाना प्रकार की जलवायु क्यों कह रहे हैं? क्या एक ही घास है? जैसे सुडान एक देश में जलवायु नहीं पाई जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा बृहद क्षेत्र सुडान कवर करता है। सवाना प्रकार की घास एक प्रकार की घास नहीं, अभी आप घास के मैदान ढेर सारे पढ़ेंगे इसी के समतुल्य। लेकिन सवाना क्यों नाम दिया जा रहा है? क्योंकि सबसे बड़ा घास का मैदान जो है वो है सवाना, इसलिए इसको नाम दिया जा रहा है। बाकी इसके समतुल्य और भी घासें हैं, और घासों को क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि उनका क्षेत्र बड़ा नहीं है, ये बृहद क्षेत्र में, इसलिए सवाना प्रकार की जलवायु बोल दिया गया। उसी तरह से चीन तुल्य जलवायु बोल दिया गया, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो ये चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट हो गई जो 30 से 45 डिग्री अक्षांश के पूर्वी भाग में विकसित होती है। फिर जैसे ही आप मध्यवर्ती भाग में आएंगे, ये हो जाएगा मध्यवर्ती भाग जहां पे वर्षा की मात्रा कम हो जाएगी, बहुत ज्यादा कम हो जाती है। कम होने से ये वाली स्थिति आने लगेगी, सेमी ड्राई। तो अब यहां पर क्या है? यहां पे टेम्परेचर तो है लेकिन वर्षा, क्योंकि बीचों बीच स्थल पे वर्षा नहीं होती, तटीय क्षेत्र में वर्षा होती है या पूर्वी स्थान में होती है, मध्यवर्ती भागों में वर्षा नहीं होती, यहां वर्षा की मात्रा कम। अब यहां पे स्टेपी घासें आ जाएंगे। अभी क्या था? सवाना। इसके नीचे क्या था? सवाना। सवाना क्या था? घासें भी हैं उष्णकटिबंधीय और वृक्ष भी हैं। जैसे ही और ऊपर गए आप और इधर आए, नीचे आए, उच्च अक्षांश पे जैसे ही गए, जैसे ही उच्च अक्षांश, तो सवाना की जगह क्या आ गया? कौन सा घास का मैदान? अभी बीचों बीच सवाना घास थी,
अब ऊपर चली गई, स्टेपी घास हो गई, तो सवाना घास क्या, उष्णकटिबंधीय घास, जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां पे ऊंची ऊंची घनी घनी घासें होती है, यहां पे क्या है कम तापमान कम वर्षा, जिसकी वजह से यहां पे जो है घासें क्या होती हैं, बहुत बड़ी नहीं होती, यहां की घासें कम जो है आपके एक तरह से सघन होती है, तो ये आपके सवाना घास के मैदान हो जाते हैं। और फिर जैसे ही आप पश्चिम में आएंगे आप देखेंगे यहां पे भूमध्य सागर आ जाएगा, भूमध्य सागर में सबसे बड़ा क्षेत्र हो जाता है, इसलिए इसको भूमध्य सागरी जलवायु कहते हैं, ये भूमध्य सागरी जलवायु हो जाती है जो 7 नंबर पे आती है, ये 7 नंबर पे भूमध्य सागरी जलवायु हो जाती है जो किसी भी स्थान के पश्चिमी भाग में आपके स्थित होती है। फिर जैसे ही आप चलेंगे फिर पूर्वी भाग से शुरू करें, 45 से 60, ये हुआ 45 से 60 पूर्वी स्थित भाग में, यहां चीन है, चीन के ऊपर, चीन का उत्तर उत्तरी भाग जहां पे राज्य है चीन का मंचूरियन, मंचूरियन राज्य में, मंचूरियन क्षेत्र में सबसे ज्यादा मात्रा में ये जलवायु पाई जाती है, चीन की तरह ही है, जैसे मानसून है, मानसूनी जलवायु के बिल्कुल एक जैसी होती है चाइना, तो मानसूनी में ज्यादा मानसूनी विशेषकर पवने आ रही हैं, ज्यादा बारिश हो रही है, तापमान ज्यादा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, जैसे ही आप चाइना में गए सेम वही चीज है, वैसे ही आर्द्रता युक्त पवने आएंगी, मानसूनी पवने आएंगी, लेकिन उतना ज्यादा वर्षा नहीं करेंगे और उतना कम, उतना ज्यादा तापमान भी नहीं रहेगा क्योंकि उच्च अक्षांश पर चली गई, और ऊपर गए तो ये भी चाइना की तरह जलवायु हो जाती है, मंचूरियन प्रकार की जलवायु, इसको मंचूरियन प्रकार की जलवायु कहते हैं, और इसी को आप देखेंगे कनाडा में भी पाई जाती है, तो कनाडा में जहां पे सेंट लॉरेंस नदी बहती है उस पूरे क्षेत्र में ये जलवायु पाई जाती है, इसलिए कनाडा में इसको जो है आपके एक तरह से चीन जो है मंचूरियन प्रकार की जलवायु नहीं कहते, तो एशिया में मंचूरियन प्रकार की जलवायु कहते हैं, जब उत्तरी अमेरिका में आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसको क्या कहेंगे, सेंट लॉरेंस प्रकार की जलवायु, तो ये सेंट लॉरेंस प्रकार की जलवायु हो जाएगी। फिर मध्यवर्ती भाग आएंगे, ये महाद्वीपों का मध्यवर्ती भाग है, एशिया और एशिया के बीचों बीच भाग, जहां पे बिल्कुल बारिश नहीं होगी, न बहुत हल्का तापमान है, बहुत कम बारिश है, तो इसमें महाद्वीप, एशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग और यूरोप के मध्यवर्ती भाग में मिलती है, उत्तरी अमेरिका के मध्यवर्ती भाग में मिलती है, इसीलिए मध्य महाद्वीपीय जलवायु हो जाती है, मिड कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट हो जाता है, जो कि बहुत ज्यादा जो है आपके इंपॉर्टेंट नहीं होता। और जैसे ही आप इसके पश्चिम में आएंगे 45 से 60, ये हो जाएगा यूरोप का क्षेत्र, पश्चिमी यूरोपीय देश, पूरे पश्चिम यूरोपीय देशों में ये जलवायु आपके विकसित हो जाएगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जलवायु होती है, पश्चिमी यूरोपीय तुल जलवायु, तो पश्चिमी यूरोपीय तुल जलवायु हो जाएगी क्योंकि यूरोप का क्षेत्र आ जाएगा, तो पश्चिमी यूरोपीय तुल जलवायु 10वीं प्रकार की हो जाएगी। फिर 60 से 75 यही होती है टैगा प्रकार की जलवायु, और टैगा प्रकार की जलवायु ही एक ऐसी है जो कि दक्षिण में नहीं पाई जाती क्योंकि यहां पर स्थली नहीं है, सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में है टैगा प्रकार की जलवायु। क्या है, किस तरह की, क्या विशेषताएं देखते हैं, फिर 12वें प्रकार की जलवायु टुंड्रा प्रकार की जलवायु हो जाती है, 12वें प्रकार की जलवायु टुंड्रा प्रकार की जलवायु, जो 75 से 85 डिग्री अक्षांशों के बीच में जो है पाई जाती है। और फिर लास्ट में ध्रुव के पास 13वें प्रकार की जलवायु, जो कि ध्रुवी प्रकार की जलवायु होती है, पोलर जो है आपकी होती है ऊपर और नीचे। अब इसको उठा के आप कहीं पर भी रख दें, प्लेस कर दें, विश्व के किसी भी महाद्वीप में प्रवेश कर दें, आपको आसानी से निकल आएगा कि कहां पे कौन सी जलवायु है। फिर समझ लें, विषुवत रेखी, मानसूनी, सवाना, फिर मरुस्थली हो गई, फिर भारत के उत्तर में चीन है, चाइना हो गई, फिर सवाना के उत्तर में स्टेपी है, फिर ये क्या हो गया, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर का क्षेत्र आ जाएगा, भूमध्य सागरी हो जाएगी। फिर इसी तरह से यहां पर क्या है, ये है आपका बेल्ट जो कि आपके होगी चीन के ऊपर मंचूरियन, ये मध्य महाद्वीपी पश्चिमी भाग में आएंगे यूरोपीय तुल्य जलवायु हो जाएगी। फिर इसके बाद टैगा, टुंड्रा और ध्रुवी, इस डायग्राम को कहीं पर भी रख देंगे किसी भी महाद्वीप पर, अपने आप आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी कौन सी जलवायु कहां है। जैसे मान लीजिए हमें पता करना है कि अफ्रीका में कौन कौन सी जलवायु पाई जाएगी, हम यहीं पर पता कर लेंगे, कैसे, इस डायग्राम को, जो डायग्राम अभी हमने बनाया था उसको यहां रख देंगे,
ये है विषुवत, 10 से 10 डिग्री ये क्या हो गई, विषुवत रेखीय जलवायु हो गई इन जगह पे। फिर पूर्वी स्थित भाग, पश्चिमी स्थित भाग, यहां पर क्या है, यहां पे आपके मेनली तीन पार्ट में इसको बांट दिया जाएगा, मानसूनी जलवायु, मानसूनी जलवायु है ना, सवाना प्रकार की जलवायु, सवाना प्रकार के घास के मैदान, और पश्चिमी क्षेत्र में ये है मरुस्थल, ये पूरा मरुस्थली जलवायु। फिर इसके बाद जैसे ही आप ऊपर चलेंगे तो ये क्या हो गई, अभी हम अफ्रीका और इसको पढ़ रहे हैं इस रेंज में, तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर क्या हो गया, और यहां कौन सी जलवायु आ गई। तो महाद्वीप में अगर आप देखेंगे तो किसी भी जगह पर जब जैसे ही आप जलवायु को देखना शुरू करेंगे आपको आसानी से इजिली पूरा का पूरा सारी चीजें डिटेक्ट हो जाएंगी। जैसे अफ्रीका और इसको मिला करके देखिए, अभी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, यहां से अफ्रीका से तो बहुत क्लियर नहीं हो रहा है लेकिन हम क्लियर कर देते हैं आपको। देखिए इससे अगर हम ये दोनों महाद्वीप ले लें, ये विषुवत रेखीय जलवायु यहां से यहां तक 10 से 10 डिग्री में, ये देखिए पूरा पहला वाला, ये पूरी, इवन ये भी आ गई, ये देख रहे हैं ये ग्रीन वाला हिस्सा जितना है, ये सब क्या है, विषुवत रेखीय जलवायु पहले वाली, ये विषुवत रेखीय जलवायु हो जाएगी जो इस क्षेत्र में यहां पर पाई जा रही है। फिर जब हम 10 से 30 डिग्री अक्षांश की बात करेंगे, 10 से 30 डिग्री अक्षांश की बात करेंगे तो अब यहां पर क्या है, पूर्वी स्थित भागों में मानसूनी जलवायु, देखिए ये पूर्वी स्थित भाग, मध्यवर्ती भागों में सवाना प्रकार की जलवायु, और पश्चिमी भागों में क्या है, मरुस्थल, ये मरुस्थली जलवायु। तो अब यहां पर क्या है, यहां पर भी वही होगा, तो पूर्वी स्थित भाग अगर है तो ये जो है आपकी मानसूनी प्रकार की जलवायु मिलेगी, यहां पे जो है मध्यवर्ती भाग सवाना है, ये सवाना की प्रकार की जलवायु, ये भी सवाना का पूरा क्षेत्र है जहां पर ये मिल रही है। फिर जैसे ही भारत के उत्तर में आए चीन तुल्य जलवायु आ जाएगी, चीन तुल्य जलवायु को जैसे ही यहां है, ये क्या है, स्टेपी घास के मैदान एशिया के, स्टेपी प्रकार की जलवायु आ जाएगी, और स्टेपी के और इधर आए ये क्या हो गई, भूमध्य सागर आ गया, भूमध्य सागरी जलवायु हो गई। तो अब यहां पर क्या है, आसानी से आप इन, तो अब यहां पर क्या है, पहले प्रकार जलवायु थी, दूसरी मानसूनी हो गई, तीसरी जो है आपके सवाना हो गई, चौथी जो है आपके मरुस्थली हो गई। अब देखिए कितनी आसानी समझ में आ रहा है, पांचवी चीन तुल जलवायु, चीन में मध्यवर्ती एशिया का भाग है, ये क्या है, ये कौन से घास के मैदान, स्टेपी घास के मैदान हो गए, तो नीचे सवाना घास के मैदान थे, ऊपर स्टेपी घास के मैदान हो गए, और ये देखिए भूमध्य सागर आ गया, तो भूमध्य सागरी जलवायु हो गई सात नंबर पर। और ऊपर चले, ये है मैंचूरियन जलवायु, मैंचूरियन प्रकार की जलवायु, जैसे यहां भी मैंचूरियन है, यहां भी मैंचूरियन है, यहां पर भी वैसे ही रखेंगे हम लोग, तो मैंचूरियन प्रकार की जलवायु। फिर मध्य महाद्वीपी जलवायु, महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग, मध्य महाद्वीपी जलवायु ये पूरा, और पश्चिमी भाग में आएंगे तो पश्चिमी यूरोपीय तुल जलवायु, यूरोपियन कंट्रीज आ गए, पश्चिमी यूरोपीय तुल जलवायु इस जगह पर, ये जो है आपके क्षेत्र हो जाएंगे पश्चिमी यूरोपीय तुल। तो वही चीज यहां पर भी है, तो यहां भी आप देखेंगे जैसे ऊपर देख रहे हैं वैसे नीचे भी देखेंगे, ये पश्चिमी यूरोपीय तुल हो जाएगा जलवायु में। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो अब ये क्या है, ये आठ नंबर हो गया मंचूरियन, नौ जो है आपके मध्य महाद्वीपी, दस जो हो गया पश्चिमी यूरोपीय तुल जलवायु। तो स्पेसिफिकली जहां पे आप देख रहे हैं, भारत भारत के क्षेत्र में मानसून आता है, मानसूनी जलवायु, मध्यवर्ती भाग में सवाना घास के मैदान इन सभी क्षेत्र में, पश्चिमी जगह यहां सहारा मरुस्थली क्षेत्र है, पश्चिमी भाग में मरुस्थल। फिर भारत के ऊपर गए, चीन आ गया, चीन तुल जलवायु हो गई, चीन तुल जलवायु सिर्फ यहां नहीं, यहां भी चीन तुल जलवायु पाई जाएगी, यहां भी चीन तुल जलवायु पाई जाएगी, यहां भी चीन तुल जलवायु पाई जाएगी, क्योंकि इस अक्षांश में पूर्वी स्थित भाग में पाई जाएगी इतने अक्षांश में। फिर स्टेपी आ गई, तो स्टेपी यहां भी पाई जाएगी, स्टेपी बीच वाले यहां भी पाई जाएगी, स्टेपी यहां भी पाई जाएगी, स्टेपी ये मध्यवर्ती भाग में भी पाई जाएगी, स्टेपी यहां भी पाई जाएगी, देख रहे हैं बीच वाला भाग आ गया। फिर भूमध्य सागरी जलवायु, भूमध्य सागरी पश्चिमी स्थित भाग में यहाँ, भूमध्य सागरी पश्चिमी स्थित भाग में यहाँ, भूमध्य सागरी पश्चिमी स्थित भाग में यहाँ, भूमध्य सागरी ये थोड़ा बहुत, और फिर ये थोड़ा बहुत पश्चिमी स्थित भाग में, ये हो गई। इसी तरह से अब टैगा प्रकार की जलवायु जो आपकी होती है, ये उच्च अक्षांश पे यहाँ पे पाई जाती है इस जगह पे, टैगा प्रकार की सिर्फ यहाँ। फिर टुंड्रा प्रकार की जलवायु, कनाडा के उत्तरी स्थित द्वीप, ग्रीनलैंड, ये आपका क्षेत्र हो जाएगा, प्लस एंटार्क्टिका। और ध्रुवीय जलवायु, ध्रुव के निकट, खासतौर से एंटार्क्टिका के पूरे क्षेत्र,
ये प्रमुख चीज होती है। इसको याद करना इसीलिए बहुत आसान होता है। अब इसी कॉन्सेप्ट से जब आप पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से इजिली समझ में आता है क्या क्या चीजें हैं। अब किस जलवायु की क्या विशेषता है वो इंपॉर्टेंट है, कि किस जलवायु की क्या विशेष चीज है वो चीज समझना जरूरी है। तो हम आपको पहले डायग्राम में रटा देते हैं। विषुवत रेखीय जलवायु की विशेषता क्या है? विषुवत रेखीय जलवायु की हम विशेषता हमने आपको बताया, तापमान वर्ष भर ज्यादा रहेगा, वर्ष भर वर्षा होती रहेगी, वर्षा वर्ष भर है, वर्ष भर वर्षा सिर्फ दो जलवायु में होती है विश्व के 13 में से, सिर्फ दो जलवायु में, एक विषुवत रेखीय जलवायु और एक ये जो आप पढ़ेंगे पश्चिमी यूरोपीय तुल जलवायु, वेस्टर्न यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, बस ये दो जलवायु में होती है। कब कब होती है ये देख लीजिए, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी में ज्यादा वर्षा होगी कि सर्दी में ज्यादा वर्षा होगी? तो जब गर्मी में जो है आपकी वर्षा होती है तो उसको कहा जाता है ग्रीष्म ऋतु, आर्द्र वेट, और शीत ऋतु विंटर्स शुष्क। जितनी जलवायु है, यहां तो वर्ष भर हो रही है, यहां वर्ष भर हो रही है, बाकी जितनी जलवायु है सब में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। जैसे हम लोगों के यहां गर्मी में ही होती है वर्षा, गर्मियों में वर्षा स्टार्ट होती है, उसी तरह सब जगह है तो गर्मियों में वर्षा। लेकिन दो ऐसी जलवायु है जहां शीत ऋतु में वर्षा होती है, वो कौन सी है? ये दोनों कौन सी है? भूमध्य सागर, यूरोपीय तुल जलवायु। बस इतनी चीज याद रखना, क्यों? क्योंकि यह पछुआ पवनों से हो रही है, ये दोनों जगह वर्षा जो हो रही है पछुआ पवन से हो रही है, तो पछुआ पवन जो है यहां पे वर्षा करती है। तो इसकी देखिए विशेषता फिर समझ ले, विशेषता क्या है विषुवत रेखीय जलवायु की? ये जलवायु जो है यहां पे वर्ष भर तापमान ज्यादा, वर्षा की मात्रा बहुत ज्यादा, और इस क्षेत्र में जो है आपके ऐसी जलवायु होती है जो कि आपके एक तरह से आप ये कहें कि यहां पर दैनिक तापांतर, दिन का तापमान में अंतर जो होगा रात और सुबह में बहुत कम होता है, क्योंकि रात में भी गर्मी रहती है दिन में भी गर्मी रहती है, और वार्षिक तापांतर भी न्यूनतम होता है, कि वर्ष का सबसे गर्म दिन और वर्ष का सबसे ठंडे दिन में भी बहुत कम अंतर होता है, क्योंकि साल भर गर्मी रहती है, इसलिए वार्षिक तापांतर भी न्यूनतम है पूरे विश्व में और दैनिक तापांतर भी न्यूनतम है इसी में। ऋतु एक होती है ग्रीष्म ऋतु, यही विशेष चीज है। अब आ जाइए दूसरी विशेषता, मानसूनी जलवायु। पूर्वी स्थित भाग में होती है 10 से 30 डिग्री अक्षांश पे, एक विशेष प्रकार की मानसूनी पवने आएंगी जो वर्षा करेंगे एक स्पेसिफिक समय में चली जाएंगी और उसी समय आर्द्रता होती है। इस प्रकार की जलवायु में चार ऋतुओं होती है, तो चार प्रकार की ऋतु होती है, तो तीन से चार भी हो सकती है, मतलब चार कुछ जगह होती है कुछ जगह तीन होती है, तो चार ऋतुएं होती हैं। और इस प्रकार की जलवायु में विशेषकर क्या होता है, ये यहां पे वार्षिक तापांतर सर्वाधिक होता है। मानसूनी जलवायु में जहां हम लोग रहते हैं वार्षिक तापांतर, वार्षिक तापांतर मतलब वर्ष का सर्वाधिक और दैनिक नहीं पर डे वाला नहीं, वार्षिक तापांतर। जैसे सबसे ठंडा स्थान सर्दी के दिनों में सबसे कम तापमान कितना गया, मान लीजिए 2 डिग्री सेल्सियस गया, और गर्मियों में कितना गया 48 डिग्री सेल्सियस गया, कितना अंतर हो गया 46 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो गया, ऐसा बहुत कम होता है। तो वार्षिक तापांतर जिसको कह रहे हैं वो सर्वाधिक यहीं पर होता है, तो वार्षिक तापांतर वाला स्थान जो है आपके ये है। यहां पर तीन से चार ऋतुएं होंगी, एक विशेषकर समय में वर्षा होगी, जो वर्षा वाला समय होगा मानसूनी जो है मानसून शब्द से बना है, जो आद्रता युक्त पवने होती हैं जो आती हैं, या जैसे विषुवत रेखीय जलवायु में 250 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा, मोर देन 250 सेंटीमीटर। यहां पर क्या है दूसरी प्रकार की जलवायु में 125 से 250 सेंटीमीटर वर्षा मानसूनी प्रकार की जलवायु में, जहां जहां मानसूनी प्रकार की जलवायु वहां 125 से 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है वर्ष में। फिर जब हम समाना प्रकार की जलवायु में आए, वर्षा कम हो गई, पश्चिम में आ रहे हैं, 100 सेंटीमीटर वर्षा, ये 100 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र होगा। यहां पे क्या है समाना प्रकार की जलवायु की विशेषता क्या है, यहां पे तीन ऋतुएं होती हैं वर्ष में, चार की जगह तीन हो गई तो ज्यादा लंबी होंगी, इसके मतलब यहां पर क्या होगा, यहां पे लंबी ऋतुएं होती हैं, यहां पर ऋतुएं 3 महीने की, यहां 4 महीने की ऋतुएं होती हैं, तीन प्रकार की जो है आपके एक तरह से ऋतुएं होती हैं। तो यहां पर इस जगह पर समान प्रकार की जलवायु में क्या है
वृक्ष तो है ही है, घास के मैदान, सवाना प्रकार के घास के मैदान, और ये घास कौन सी है? उष्ण कटिबंधी घास, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स का मतलब क्या हुआ? जहां पर जो है टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा होता है, वर्षा बहुत ज्यादा, सघन घासें होती हैं, ऊंचे ऊंचे एकदम जंगल बना देती हैं, ऐसी घासें होती हैं। तो ये समान प्रकार की जलवायु, और क्योंकि सूडान देश में पाई जाती है सबसे ज्यादा, तो इसलिए सूडान प्रकार की जलवायु भी इसको कहा जाता है। ये जलवायु हो गई। फिर पश्चिमी स्थित भाग में आएंगे, लेस देन 50 सेंटीमीटर वर्षा हो गई, 50 से कम सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है, इसलिए ये मरुस्थल कहलाता है, डेजर्ट कहलाता है। ये डेजर्टेड रीजन हो गया, डेजर्ट। तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थली जलवायु ये हो गई। तो ये उष्णकटिबंधीय मरुस्थली जलवायु के नाम से जानी जाती है जो कि यहां पर स्थित होती है। तो कहां पे है? महाद्वीपों के पश्चिमी स्थित भाग में, 10 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में। इसकी विशेषता क्या है? दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है। दैनिक तापांतर सबसे न्यूनतम कहां होता था? न्यूनतम यहां, अधिकतम यहां। दैनिक तापांतर सर्वाधिक यहां क्यों होता है? मरुस्थल है, डेजर्ट है, गर्मी वाला मरुस्थल है, इसलिए बालू रेत तपती है, दिन का तापमान बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन रात उतनी ठंडी हो जाती है मरुस्थल में। तो जो रेत होती है, बालू होती है, ये क्या करती है? ये बहुत जल्दी गर्म भी होती है, बहुत जल्दी ठंडी भी होती है। सूर्यास्त होते ही टेम्परेचर गिरने लगता है बहुत तेजी से, जितनी ऊष्मा आई थी सब परावर्तित हो जाती है और ठंडा होने लगता है। दिन और रात के तापमान में सबसे ज्यादा अंतर मरुस्थल में आता है, डेजर्ट्स में आता है। दिन बहुत गर्म, मान लीजिए है 45 डिग्री सेल्सियस दिन का तापमान, रात का तापमान मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस हो गया, सीधे सीधे 25 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। इस तरह का वेरिएशन होता है टेम्परेचर में। तो गर्मी में जो आपका दिन होता है वो बहुत गर्म, रात बहुत ठंडी होती है, इसलिए से दैनिक तापांतर सर्वाधिक यहां है, दैनिक तापांतर न्यूनतम यहां है, वार्षिक तापांतर न्यूनतम यहां है, वार्षिक तापांतर सर्वाधिक यहां है। तो वार्षिक तापांतर सर्वाधिक कहां था? मानसून में, जहां हम लोग ने देखा था मानसूनी जलवायु हम लोगों के यहां होता है वार्षिक तापांतर। और दैनिक तापांतर सर्वाधिक कहां होता है? मरुस्थली क्षेत्र में, उष्णकटिबंधी मरुस्थली जलवायु में। यहां पे क्या है? कटीली झाड़ियों वाली वनस्पतियां होती है, कम वर्षा होती है, सूखा पड़ा रहता है। ये जो है आपके इसकी विशेषता है। फिर पांचवे प्रकार की जलवायु में आएंगे, चीन तुली जलवायु, भारत के ऊपर चाइना, ऐसे याद करिए। भारत के जब आप डायग्राम में देखेंगे तो अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा, ये मानसूनी जलवायु तो ऊपर गए तो ये क्या हो गया? ये चाइना आ गया, तो चाइना तुली जलवायु हो जाएगी। तो अब यहां पर क्या है? तो चाइना चीन तुल जलवायु के नाम से जानी जाएगी, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, पूर्वी स्थित भाग में। इसकी क्या विशेषता है? मानसून से मिलता हुआ, जैसे हम लोगों के यहाँ, हम लोग क्या जैसे मौसम बदलता है वैसे यहां भी बदलता है, लेकिन हम लोग क्या ज्यादा गर्मी होगी, क्यों? विषुवत रेखा के नजदीक है, ये दूर है, तो इसलिए क्या है, हम लोगों के यहाँ जितनी गर्मी होती उतनी गर्मी चीन में नहीं होती, वहां पर टेम्परेचर कम रहता है। हम लोग क्या जितनी वर्षा होती है उतनी वर्षा यहां नहीं होगी, क्योंकि जैसे जैसे विषुवत रेखा से जैसे जैसे दूर जाएंगे वर्षा की मात्रा अपने आप कम होती चली जाएगी। तो अब यहां से क्या है, मानसून की तुलना में मानसूनी पवनों, जिस तरह से मानसूनी पवने वर्षा यहां करती हैं, उसी तरह की आद्रता युक्त पवने यहां आती हैं, वर्षा करती हैं, लेकिन उतनी वर्षा नहीं होती जितनी हम लोगों के यहाँ होती है। तो चीन तुल जलवायु में उतनी वर्षा नहीं है जितनी यहां पर होती है। तो ये जो वर्षा होती है ये नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो लगभग 125 डिग्री सेल्सियस 125 सेंटीमीटर वर्षा तक लगभग पाई जाती है। तो ये 125 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते, उससे ज्यादा वर्षा नहीं होती। तो ये जो है आपके चीन तुल जलवायु होती है जो कि यहां पर स्थित होती है। चीन तुल जलवायु के फिर और अंदर आए तो ये स्टेपी प्रकार की जलवायु, स्टेपी घास के मैदान आ गए। स्टेपी घास क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो गया, ठंडे प्रदेश में गया। यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा नहीं है, यहाँ पे वर्षा भी ज्यादा नहीं है, यहाँ पे घास भी सघन नहीं है, छोटी घासें होती है, ज्यादा घास नहीं होती। यहाँ पे जो सवाना प्रकार की जलवायु थी, सघन वन के साथ घास थी, ऊंची ऊंची घास, सघन घास, वृक्ष के साथ, वृक्ष रहित, वृक्ष सहित घास के मैदान। अब यहां पर क्या हो गया? दूर दूर वृक्ष हो गए, घास छोटी हो गई, छोटी छोटी घास हो गई। तो ये सवाना प्रकार की घास की तुलना में छोटी घास होती है, स्टेपी प्रकार की घास के मैदान, इसलिए इसको स्टेपी प्रकार की जलवायु कहने लगते हैं।
और फिर पश्चिम में आए तो ये जो है आपके भूमध्य सागरीय जलवायु, ये भूमध्य सागरीय जलवायु के नाम से जानी जाती है। भूमध्य सागर के चारों तरफ पाई जाती है, मेडिटेरेनियन सी के चारों तरफ पाई जाती है, ये पूरा भूमध्य सागरीय जलवायु है। तो भूमध्य सागर के चारों तरफ पाई जा रही है, तो इसलिए जो है तो ये चीन तुल जलवायु थी पांच नंबर पे, फिर बीच में क्या आ गई स्टेपी प्रकार की जलवायु, क्योंकि स्टेपी घास के मैदान मिलते हैं, और फिर उसके बाद ये क्या हो गई भूमध्य सागरीय जलवायु हो गई। तो भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या होती है, जैसे हमने आपको बताया ये शीत ऋतु में वर्षा करती है, ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है, बाकी सब में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। यहां शीत ऋतु में वर्षा होती है, ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है, और ये जो है किसकी वजह से होती है वर्षा, पछुआ पवनों की वजह से, वेस्टर्न जो है वेस्टर्लीज की वजह से, तो पछुआ पवने यहां पर वर्षा करती है। फिर चीन के जस्ट ऊपर आइए तो ठंडा चीन का प्रदेश हो जाता है मंचूरियन प्रदेश, तो मंचूरियन प्रकार की जलवायु कहने लगते हैं। मानसून, मानसूनी जलवायु की तरह चीन तुल जलवायु थी, और चीन तुल जलवायु की तरह ये चीन से कम तापमान, चीन से कम वर्षा, जैसे मानसून से कम वर्षा यहां, मानसून से कम जलवायु यहां, ये तापमान यहां, वैसे ही चीन तुल जलवायु की तरह ही जलवायु ये भी है मंचूरियन, लेकिन वर्षा की मात्रा कम, तापमान कम, ये जो पूर्वी स्थित भाग होते हैं यहां पे ऐसे पाया जाता है। फिर जब हम मध्यवर्ती भाग में आएंगे तो स्टेपी घास से और कम वनस्पतियां हो जाती हैं, बहुत ही कम वनस्पतियां हो जाती हैं, विरल हो जाती हैं, और मध्य महाद्वीपी भाग हो जाता है जो कि शुष्क ठंडा पड़ा रहता है, और जो है आपके वनस्पतियां का अभाव होने लगता है ऐसे क्षेत्र में। तो ये क्या होती हैं, ये ऐसी क्षेत्र होते हैं जो कि मध्य महाद्वीपी जलवायु के रूप में जाने जाते हैं। फिर पश्चिमी स्थित भाग में आएंगे तो यहीं पे अगर आपने देखा तो ये क्या आ गए, ये आ गए हम लोग यहाँ यूरोपीय तुल जलवायु में, ये मंचूरियन जलवायु, ये मध्य महाद्वीपीय जलवायु, ये आ गए पश्चिमी यूरोपीय तुल जलवायु, यूरोप के पश्चिमी भाग में। यहां पर भी शीत ऋतु में ज्यादा वर्षा होती है, और ये वर्षा दो वजह से होती है, एक पछुआ पवन से और एक वाताग्र से। अब वाताग्र क्या है, फ्रंट जिसको कहा जाता है, वो हम लोग जब हम पछुआ पवन जब हम आपको यूरोपीय तुल जलवायु पढ़ाएंगे तो उसी टाइम जो है हम आपको वाताग्र भी समझा देंगे, फ्रंट क्या होता है, फ्रंटोजेनेसिस। तो फ्रंट या वाताग्र क्या है, वाताग्र से यहां पे वर्षा होती है, वाताग्र से और पश्चिमी जो है एक तरह से पछुआ पवनों के द्वारा, तो दो वजह से यहां पे वर्षा हो रही है पश्चिमी यूरोपीय तुल जलवायु में, और ये वर्षा शीत ऋतु में हो रही है, और यहां पे वर्ष भर वर्षा हो रही है। तो वर्ष भर वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, सिर्फ विषुवत रेखीय क्षेत्र और यूरोपीय तुल, पहला और दसवां, फर्स्ट और टेन। तो ये आपके यूरोपीय तुल जलवायु में ऐसा होता है जो कि वर्ष भर वर्षा इसमें पाई जाती है। तो शीत ऋतु में वर्षा सातवें और दसवें नंबर पे, भूमध्य सागरीय जलवायु और यूरोपीय तुल जलवायु। फिर क्या है, टैगा प्रकार की जलवायु। टैगा क्या है, टैगा जो होता है अर्ध शुष्क मरुस्थल, सेमी ड्राई डेजर्ट। अर्ध शुष्क शीत मरुस्थल, सॉरी शीत मरुस्थल मतलब ठंडे मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल, पूरे मरुस्थल नहीं, अर्ध शुष्क। तो यहां पे क्या है, अर्ध मरुस्थली क्षेत्र होता है, मतलब मरुस्थल तो आप नहीं कह सकते लेकिन बहुत कम वर्षा वाला क्षेत्र, पूरा मरुस्थल एकदम वीरान पड़ा होता है, इस तरह के जो है अवस्था होती है। तो ये टैगा प्रकार की जलवायु में होता है। इसमें वर्षा जो होती है ग्रीष्म ऋतु में वर्षा पानी के रूप में होती है, जल के रूप में, शीत ऋतु में वर्षा बर्फ के रूप में होती है, अंतर समझिएगा। टैगा प्रकार की जलवायु में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा जल के रूप में, शीत ऋतु में जो है आपके वर्षा जो होती है ये आपके यहां पर होती है हिम के रूप में। ग्रीष्म ऋतु का तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, और शीत ऋतु का तापमान 0 डिग्री से कम होता है। अब टुंड्रा प्रदेश में चले आए, थोड़ा सा डिफरेंस और आ गया, ग्रीष्म और शीत दोनों ऋतु में तापमान 0 से कम रहता है, वर्षा जो होती है हमेशा हिम के रूप में होती है, दोनों में अंतर हुआ। यहां वर्षा ग्रीष्म ऋतु में जल वाली हो रही थी, शीत ऋतु में किसकी हो रही थी, हिम वाली। यहां पर जब भी बारिश होती है हिम के रूप में होती, कभी जल के रूप में नहीं होती।
यहां का तापमान ग्रीष्म ऋतु का 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है, लेकिन यहां का तापमान कभी 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता, वर्ष भर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। तो टुंड्रा क्या मतलब होता है? शीत मरुस्थल। ये अर्ध शीत मरुस्थल था, ये शीत मरुस्थल, कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट को टुंड्रा कहा जाता है। और टुंड्रा के ही तरह से 85 से 90 डिग्री ऐसा क्षेत्र है जहां का तापमान बहुत कम रहता है, यहां भी जीरो से कम, यहां भी जीरो से कम वर्ष भर। यहां पे वर्षा हिम के रूप में, यहां वर्षा होती ही नहीं। पृथ्वी के किस भाग में अगर कहा जाए वर्षा नहीं होती तो ध्रुव पर नहीं होती। ध्रुवी एक ऐसी जगह है जहां पे कभी वर्षा नहीं होगी, कभी नहीं होगी, ना हिम के रूप में ना जल के रूप में। यही एक ऐसी जलवायु है जिसमें कभी वर्षा नहीं होती। 13 प्रकार की जलवायु में हर जगह वर्षा होगी सिर्फ इसको छोड़ करके। तो ध्रुवीय क्षेत्र में जो आपकी जलवायु होती है यहां पे वर्षा की मात्रा ना के बराबर होती है, नहीं होती। तो ये जो है आपकी, अभी हमने सिर्फ आपके दिमाग में क्या डाला है, अभी देखिए बहुत इंटरेस्ट क्रिएट होगा आपको जब ये पूरा कंप्लीटली पढ़ेंगे। अब हम लोग एक एक करके जलवायु पढ़ेंगे और एक एक करके जलवायु पढ़ करके और फिर हम लोग देखेंगे किस जगह पर कौन सी जलवायु पाई जाती है। जब ये आप देख लेंगे क्या विशेषता है हर एक जलवायु की या किस देश में कौन सी जलवायु पाई जाती है, तब आपको इंटरेस्ट यहाँ एक्चुअल में ये जलवायु क्या है। तो किस तरह से हम लोग जानेंगे पूरे विश्व की जलवायु को, इसी आधार पर अब हम लोग पढ़ डालेंगे।